13.1 का एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि द टेबल बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल्स इन द नंबर इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। तो हम ये जो हमें टेबल दी हुई है ये क्या शो करती है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया इन प्राइमरी स्कूल, कि प्राइमरी स्कूल में फीमेल टीचर हैं कितने इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी। तो हमें क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है कि मीन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर्स बाय ऑल थ्री मेथड्स। ये हमें डायरेक्ट मेथड से भी निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी निकालना है और स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकालना है। तो इसको इस क्वेश्चन को करने के सिंपल दो तरीके हैं कि एक तो आप तीनों मेथड को अलग अलग करके दिखाएं कि पहले टेबल बनाएं कि भाई इसमें से पहले एक्स आई निकालेंगे, ये एफ आई है, और फिर डायरेक्ट मेथड से निकालें, फिर एज्यूम मीन मेथड से निकालें, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड से। सेकंड तरीका यही है कि आप एक ही टेबल में इसको कर सकते हैं। तो पहले तीनों मेथड के फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं, कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, ये तीनों मेथड के फॉर्मूले इसलिए जरूरी हैं कि इससे हमें ये आइडिया होगा कि हमें क्या क्या चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें यहाँ वैल्यू चाहिए एफ आई एक्स आई की और एफ आई की। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी बार, और डी बार का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस एच यू बार, और यू बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा। इस तरीके के क्लास इंटरवल में कि जहां पर क्लास इंटरवल इस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू निकालनी है, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ये हमें गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स आई की वैल्यू, और एक्स आई की वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 25 प्लस 14, 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 बाय 2, तो वो कितना आएगा 20, क्योंकि 25 और 15 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 35 प्लस 25 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 45 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 तो यह है 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 40, 55 प्लस 45 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 65 प्लस 55 120 डिवाइडेड बाय 2 60, 75 प्लस 65 130 डिवाइडेड बाय 2, 75 प्लस 65 यानी 140, 140 डिवाइडेड बाय 2 70, 85 प्लस 75 160 डिवाइडेड बाय 2 80, या इसको सिंपल इतना ही सही है, इसे ज्यादा ना समझ पाएंगे। तो ये आ गई एक्स आई की वैल्यू। अब पहले हमें डायरेक्ट मेथड के लिए क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई यानी 6 × 20 120, 11 × 30 330,
सेवन इंटू 40 280, सेवन इंटू 40 280, फोर इंटू 50 200, फोर इंटू 60 240, 2 into 70 140, और 1 into 80 80. तो डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ हमें पहले क्या निकालना होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इनको हम कर देंगे सिंपल ऐड, तो 0 9 का 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 तो ये कितना आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है, 1390। अब निकालनी हमें एफ आई की वैल्यू, यानी सिग्मा एफ आई की, तो 6 और 11 17 और 7 24 और 4 28 और 4 32 और 3 35, क्योंकि इंडिया में जो नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितनी है, 35। तो पहले डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालेंगे मीन, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है, 1390 डिवाइडेड बाय, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है, 1390, और सिग्मा एफ आई यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो कितना है, 35। तो मीन का फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी 1390 अपॉन 35, इसको करेंगे 5 से कट, तो आएगा 278 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 जट 7 21 68 7 63 5 49, तो मीन की वैल्यू आएगी डायरेक्ट मेथड से 39.71। ये कौन से मेथड से आएगी, डायरेक्ट मेथड से। अब सेकंड हमें निकालना है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड के लिए हमें इसमें किसकी वैल्यू और चाहिए, डी आई की। अब डी आई की वैल्यू क्या होती है, डी आई क्या होता है, डी आई की वैल्यू होती है, डी आई की वैल्यू आएगी एक्स आई माइनस ए। अब यानी ए की वैल्यू है 50 और एक्स आई की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो 20 minus 50 minus 30 30 minus 50 minus 10 50 minus 50 minus 10 70 minus 50 20 80 minus 50 30। अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए यूज किए जाते हैं कि ताकि जो ये कैलकुलेशन है थोड़ी इजी हो जाए, कि अज्यूम मीन मेथड में और इजी होगी और स्टेप डेविएशन मेथड में तो ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो डी आई की वैल्यू क्या है, कि -30 -20 -10 0 10 20 और 30। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा हमें निकालनी है वैल्यू एफ आई डी आई की। एफ आई की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स वाली यानी जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है, इंटू में डी आई, यानी एफ आई इंटू में डी आई। तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आएगी, पहली 6 into -30 -180, 11 into -20 -220, 7 into -10 -70, और 0 into 4 0, 10 into 4 40, 20 into 2 40, 30 into 1 30। अब इसमें क्या करना है कि माइनस की वैल्यू को आप अलग ऐड कर दीजिए और प्लस की वैल्यू को आप अलग निकाल लीजिए। तो माइनस प्लस का कितना आएगा, 40 40 और 30 110, और माइनस के कितने आएंगे, माइनस के 470। तो माइनस के 470 प्लस के 110 कितना आएगा, माइनस के 360। तो ये क्या आई वैल्यू, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आई, माइनस के 360, और एफ आई की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है 35। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से
सेकंड वाले अज्यूम वीन मेथड से क्या वैल्यू आएगी इसकी, कि डी बार की वैल्यू क्या आई पहले अज्यूम वीन मेथड में, डी बार की वैल्यू क्या आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है, माइनस के 360 और एफ आई की वैल्यू क्या है 35। और मीन का क्या फार्मूला है कि ए प्लस डी बार, ए की क्या वैल्यू है 50 प्लस डी बार की क्या वैल्यू माइनस 360 अपॉन में 35। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 50 माइनस 360 अपॉन में 35, तो 35 ये आएगा सॉल्व करके 750 माइनस 360 1750 में से 360 करना है हमको माइनस, तो माइनस के ये आएगा, माइनस के नहीं आएगा सेम भी गया पहले वाले 1390 अपॉन में 35। सेम डायरेक्ट मेथड वाली वैल्यू इसको करेंगे हम 5 से, तो 278 अपॉन में 7, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी मीन की 39.71। आंसर सेम ही आएगा, बस क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन का मेथड है स्टेप वेरिएशन मेथड की। इसमें क्या है कि यू बार की वैल्यू और है अलग से, तो यू बार की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या है, एच है क्लास साइज की, इन दोनों में डिफरेंस है कितना, वही क्लास साइज होगा। तो 25 माइनस 15 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है 10। तो एज्यूम्ड मीन की क्या वैल्यू है 50, एक्स आई की क्या वैल्यू है 20, पहले वाले इंटरवल में एक्स आई की वैल्यू है 20। तो 20 तो 20 माइनस 50 कितना हुआ माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3। या सिंपल अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड एक साथ कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये डी आई की वैल्यू है अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, जो भी क्लास साइज है इसमें कि इसमें 10 है, तो वो यू बार के इंटरवल्स की वैल्यू आ जाएंगी। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना है तो डी आई की वैल्यू वहां भी निकालनी होगी, या आप चाहे तो ना जरूरी ना डी आई की वैल्यू निकालना। और अगर आप डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड से करना है आपको क्वेश्चन, तो उसमें क्या है कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू क्या है जो हम इस इंटरवल से निकालेंगे, ए क्या है एज्यूम्ड मीन और डिवाइडेड बाय क्लास साइज, तो उस केस में होगा कि 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना है माइनस 3। और यहाँ हम दोनों मेथड एक साथ कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि डी आई की वैल्यू को क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे, और क्लास साइज यानी एच की वैल्यू है 10, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, और 0 का तो 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3। तो पहले हमें इसमें वैल्यू निकालनी है u बार की, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आएगी यू आई की वैल्यू यू आई। अब हमें क्या चाहिए एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई। और यहाँ भी एक मेथड है कि जब ये दोनों मेथड आप एक साथ कर रहे हैं तो चाहे तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एफ आई डी आई की वैल्यू को क्लास साइज से डिवाइड कर दें। तो एफ आई इंटू यू आई, यानी तो एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आएगी, तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, या इसको सिंपल 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि क्लास साइज की वैल्यू है 10, तो माइनस 18 ये आएगा माइनस 22 और ये आएगा माइनस 7, और ये
जीरो, ये फोर, फोर और ये थ्री। तो एफ आई यू आई, अब सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस की वैल्यू अलग कर लें और पॉजिटिव वाली वैल्यू अलग। तो पॉजिटिव का आएगा फोर और फोर एट और थ्री इलेवन, और माइनस क्या आएंगे एटीन और ट्वेंटी टू फोर्टी और सेवन, फोर्टी सेवन यानी माइनस के 36 की जो ये एफ आई डी आई की वैल्यू है इसको क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे तो वाई की एफ आई यू आई की वैल्यू तो कितनी आई माइनस 36। तो अब हम पहले निकालेंगे यू बार की वैल्यू। यू बार की वैल्यू क्या है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आई है माइनस 36 सिग्मा एफ आई यू आई की, और एफ आई की क्या वैल्यू है माइनस 35। तो मीन की क्या वैल्यू आएगी ए प्लस एच यू, ए कितना है एच यू मीन 50 प्लस एच यानी क्लास साइज कितना है 10 और माइनस यू बार यानी माइनस 30 प्लस यू बार इनटू में यू बार, और यू बार की क्या वैल्यू माइनस 36 अपॉन 35। तो मीन की क्या वैल्यू आई 50 माइनस 360 अपॉन 35, एलसीएम आया 35 तो ये आएगा 1750 माइनस 35, इनको भी 5 से कट करेंगे तो 278 डिवाइडेड बाय 7 यानी ये आएगा 39.71। तो मीन तीनों ही वैल्यू से सेम आएगा, और यहाँ पर हमें मीन ही निकालना था तीनों मेथड से। क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल।